बाइक बनी आग का गोला। बाउंडी थाना क्षेत्र के ग्राम अलीपुर निवासी इंसान अली एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से गंडारा जा रहे थे। रास्ते में नहर के समीप एक बाग से जैसे ही उनकी बाइक निकलती है, बाइक में अज्ञात कारणों से आग लग जाती है। अचानक बाइक धू धू करके जलने लगती है और देखते ही देखते थोड़ी देर में ये बाइक जलकर राख हो जाती है, कबाड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे जेठ माह में होने वाले विश्व प्रसिद्ध दरगाह बहराइच के मेले के बारे में। आज रविवार को जेठ महीने में लगभग एक महीने तक लगने वाले बहराइच दरगाह के मेले का शुभारंभ हो गया। मेले का उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति फैज आलम खान व न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने फीता काटकर किया। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष शमशाद अहमद ने बताया कि रविवार को देश भर से सैकड़ों बरातें गाजी सरकार की दरगाह पर गाजे बाजे के साथ पहुंची। ये ऐसी बरातें होती हैं जिनमें दूल्हा नहीं होता है, सिर्फ बराती होती है। उन्होंने बताया कि लाखों की संख्या में जायरीन यहाँ पहुँचते हैं बारात के साथ, और इतनी भारी भीड़ को देखकर प्रशासन पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए रहती है। सड़क पर बेहोश मिला युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई। मटेरा क्षेत्र के ग्राम निहालपुरवा गाँव निवासी जिलाजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र गुरमीत सिंह आयु 18 वर्ष अपने घर में मौजूद था। तभी उसके दोस्त शक्ति सिंह अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं और उसे घर से बुला ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शक्ति सिंह पुनः वापस घर आते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा धनौली गांव के समीप रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ है। घर वाले घबरा कर मौके पर पहुँचते हैं। वहाँ लड़के को बेहोश हालत में बेदम अवस्था में देखते हैं। जल्दी जल्दी ग्रामीणों की मदद से युवक को वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद युवक को होश आता है और युवक अब शक्ति सिंह के द्वारा मारपीट की बात को भी बताता है। इलाज फिर जारी किया जाता है, लेकिन गुरमीत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस तरह से आपको खबरों से अपडेट कराते रहते हैं ताकि आप अपने निजी जीवन में जागरूक बन सकें। मिलेंगे फिर किसी जनहित मुद्दे में आपके पास। तब तक बने रहिए जंगल वाइस के पास। धन्यवाद।